दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसे इंसान के बारे में जिस इंसान को आप सभी लोग जानते होंगे। मैं दावा कर सकता हूं कि जितने लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो इस इंसान के बारे में नहीं जानता है। ना तो ये वीजा कंसल्टेंट है दोस्तों, ना ही कोई एडवाइजर है, ना ही कोई एम्प्लॉयर है, लेकिन फिर भी जो है हम लोगों के बीच में बहुत ज्यादा मशहूर है। वो क्यों है, वो कौन है, ये आपको भी पता है दोस्तों, क्योंकि इतने सालों से हर दिन हर रोज जो है ना जाने कितने लोगों की मदद करते आ रहे हैं, कितने लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों, और भी करते ही जा रहे हैं। एक्चुअली मेरा भी इस फील्ड में आने के पीछे का कारण सिर्फ एक ही इंसान है, वो है गैरी सर। जी हाँ, आप लोग जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं वो सब गैरी सर को जानते हैं, गैरी बैकपैकर। जी हाँ दोस्तों, पिछले कई सालों से ना जाने कितने देशों में घूम घूम कर आपके लिए इंफॉर्मेशन बटोरते हैं दोस्तों, और आप तक पहुंचाते हैं वो हर एक इंफॉर्मेशन जो आपके लिए जरूरी है। आपको जॉब्स के बारे में बताते हैं, आपको अलग अलग वीजाज के बारे में बताते हैं, आपको अलग अलग स्कीम्स के बारे में बताते हैं, जिनके जरिए जो है दोस्तों आप इंडिया से निकल करके बाहर जा सकते हैं और अपनी अच्छी खासी जिंदगी बना सकते हैं, लाखों रुपए कमा सकते हैं। मैं आपको दावा दे सकता हूं कि वो जो बोलते हैं ना वो गलत नहीं बोलते, बिल्कुल भी, वो सही बोलते हैं कि दोस्तों आप भी इंडिया से बाहर निकल के, हर एक गरीब मां का बेटा जो है इंडिया से बाहर निकल के यूके जाकर के बस सकता है, कनाडा, यूरोप में जाकर के बस सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि मेरा मोटिवेट होने का कारण भी गैरी सर ही थे, क्योंकि मैंने उनकी वीडियो देखी, फिर मैंने देखा कि यार ये बंदा कभी थकता ही नहीं है भाई, हर दिन ये जो है नई नई इंफॉर्मेशन लेकर के आ रहे हैं। मैं भी वीडियोस देखता था, फिर मुझे लगा कि मैं भी ये सर्विस लोगों तक पहुंचा सकता हूं, मैं भी लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहता हूं, मैं भी अच्छा फील करना चाहता हूं अंदर से। बस यही एक कारण था दोस्तों, इनकी सर्विस ना एक नंबर, फर्स्ट क्लास। और बस ना मुझे गैरी सर से एक दिक्कत है, एक शिकायत है कि सर आप चार्ज बहुत ज्यादा करते हो। बहुत सारे लोग सर आपसे सर्विस लेना चाहते हैं लेकिन आपके चार्जेस की वजह से वो आप तक पहुंच नहीं पाते हैं और वो एक अच्छी सर्विस की वजह से मात खा जाते हैं, जिनके लिए हम आते हैं। फिर भी जितना गैरी सर को एक्सपीरियंस है, इतने देश घूम चुके हैं दोस्तों, इतने लोगों से मिल चुके हैं, देश बाहर यूके में जाकर के काम कर चुके हैं अच्छी खासी पोस्ट पे, और उसके बाद अभी लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दोस्तों मेरे पास उतना एक्सपीरियंस तो नहीं है गैरी सर जितना या फिर वो जैसा काम करते हैं, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूं दोस्तों कि बंदा जेन्युइन है। आज तक मैंने कभी नहीं देखा किसी भी कमेंट में कि भाई इनके बारे में किसी ने गलत लिखा है कि इस आदमी ने मेरे को लूट लिया या फिर इस बंदे ने मेरे साथ फ्रॉड किया है, किसी ने भी इनके कमेंट सेक्शन के नीचे ये नहीं लिखा है। बस प्राइस रेंज के लिए लोग बोलते हैं कि सर आपके प्राइसेस बहुत हाई है, सर आप बात करने के पैसे लेते हैं, सर ऐसा क्यों करते हैं, वो मैं समझ सकता हूं क्यों करते हैं, क्योंकि लोगों की डिमांड इतनी होगी, लोग इतने परेशान करते होंगे आपको फोन कर करके, मैसेज कर करके, कि आपको ये रेस्ट्रिक्शन लगानी पड़ी ताकि आप तक वही लोग पहुंचे जो एक्चुअली में आपसे सर्विस लेना चाहते हैं, वो मैं समझता हूं। लेकिन फिर भी कुछ लोग उस पैसों के चक्कर में जो है आपसे बातचीत नहीं कर पाते हैं, वो जो जानना चाहते हैं वो जान नहीं पाते हैं। एक्चुअली वीडियोस ठीक है, वीडियोस से देखना समझ में आता है, लेकिन वो पर्सनल कनेक्ट नहीं कर पाते आपसे, ये चीज एक शिकायत है बस मुझको। और भी मैंने यूट्यूबर्स देखे हैं मेरी कम्युनिटी में, मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स देखे हैं, लोग उनके बारे में लिखते हैं कि सर ये मेरा पैसा लेके भाग गया, सर ये मेरा पैसा खा गया, सर इसने मेरे को सीवी नहीं दिया, सर मेरे 2000 रुपए गए, सर मुझे पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। आप लोग जो देख रहे हैं उन्हें भी पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं, जिसकी बात कर रहा हूं उसे भी पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन फिर भी वो सुधरने वाले नहीं है, कमेंट सेक्शन ऑफ करके बैठे रहते हैं दोस्तों। आपको ना तो मेरा कमेंट सेक्शन ऑफ मिलेगा, ना ही आपको गैरी सर का कमेंट सेक्शन ऑफ मिलेगा, जो जितने जेन्युइन बंदे हैं ना उनका कमेंट सेक्शन ऑफ नहीं मिलेगा दोस्तों आपको, क्योंकि हमने छूट दे रखी है आपको कि आप अपने दिल की बात आकर के यहां कहें, अगर आपको हमसे थोड़ी सी नाराजगी है तो वो भी आकर के यहां कहें, लेकिन हाँ गाली गलौज करोगे तो वो नहीं सहा जाएगा, उसको डिलीट कर दिया जाएगा, क्योंकि गाली गलौज आप सिर्फ मुझे गालियां नहीं दे रहे हो, उस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग वो चीज़ें देखते हैं जो चीज़ मैं नहीं चाहता, भले मेरे बारे में हो या किसी के बारे में भी हो, ठीक है, अगर आप दूसरे बंदे को भी यहाँ पर गाली दोगे तो वो भी डिलीट कर दूंगा मैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें दोस्तों, और सही बंदों के पास जाएं, मैं बस इतना ही बोलने वाला हूँ, ठीक है। बहुत दिनों से मेरे को लग रहा था कि मेरे को गैरी सर के ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए, तो इसीलिए मैं आज लेकर के आया हूँ गैरी सर के लिए वीडियो। मेरे को ना उनका काम बहुत पसंद आता है, हर दिन भाई सड़कों पे चल चल के वीडियोस बनाते हैं भाई, भले इंडिया में रहे, चंडीगढ़ में रहे, दिल्ली में रहे, या फिर लंदन चले जाए, माल्टा चले जाए, माचू पिचू चले जाए, कहीं भी चले जाए भाई, किसी भी देश में हो भाई, आपके लिए वीडियोस लानी नहीं छोड़ते, और सिर्फ आपके लिए दोस्तों वो इंडिया से बाहर जाते हैं, क्योंकि उनके पास इतना है कि वो घर में बैठ करके खा सकते हैं, लेकिन सिर्फ आप लोगों के लिए इंडिया से बाहर जाते हैं और आप तक सही इन्फॉर्मेशन लेकर के आते हैं। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि गैरी सर इज द बेस्ट, ठीक है, बस सर प्राइसेस थोड़े से डाउन कर लीजिए, थोड़े से। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं उनको अपने कंपटीटर के बारे में ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मेरा कोई कंपटीटर नहीं है दोस्तों, मैं जो सर्विस प्रोवाइड करता हूं वो सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, गैरी सर जो करते हैं वो सिर्फ गैरी सर ही कर सकते हैं, मेरा कोई कंपटीटर नहीं है, मैं किसी को एज अ कंपटीटर नहीं देखता हूं। मैं लोगों के बारे में सही भी बोलूंगा, जो लोग गलत होंगे उनके बारे में गलत भी बोलूंगा, नाम नहीं लूंगा जो गलत बोलेंगे वो आप लोग देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं किसी गलत करने वाले का नाम लेकर के खुद गलत नहीं होना चाहता, ठीक है,
उसे ये नहीं लगना चाहिए कि मैं डिफेम कर रहा हूँ किसी को। अगर आप अच्छा काम करोगे तो मैं अपने चैनल पे आपको शाउट आउट दूंगा, जैसे मैं आज गैरी सर को दे रहा हूँ। तो दोस्तों शाउट आउट टू गैरी सर, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आप भी गैरी सर से प्यार करते हो तो नीचे जाकर के एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको गैरी सर के बारे में क्या चीज़ें अच्छी लगती है। और अगर आप हमारे व्यूअर हो और आपको हमारे बारे में कुछ अच्छा लगता है दोस्तों, तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, CV का कवर लेटर बनवाते रहिए दोस्तों, अगर आप हमसे बनवा सकते हैं तो हमसे बनवाइए, गैरी सर से बनवा सकते हैं तो उनसे बनवाइए, आपकी मर्जी है दोस्तों। बस प्राइस रेंज का डिफरेंस है, काम तो सारे एक ही कर रहे हैं। और इतना दावा दे सकता हूं कि हम दोनों में से कोई भी फ्रॉड नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।